मौसम में अचानक ठिठुरन बढ़ने पर शुक्रवार को श्रीजी गंगा सेवा समिति के पदाधिकारी राजकीय बाल शिशु सदन पहुंचे। यहां उन्होंने छोटे छोटे 44 बच्चों को गर्म कपड़े वितरित किए। इस दौरान समिति के उपाध्यक्ष अवधेश गौतम, अध्यक्ष ब्रज बिहारी, महामंत्री पवन कुमार, मंत्री कपिल अग्रवाल, कोषाध्यक्ष कन्हैया लाल और मीडिया प्रभारी रविन्द्र बंसल ने एक एक कर छोटे बच्चों को गर्म वस्त्र प्रदान किए। इतना ही नहीं, इन सभी ने बच्चों को समिति की तरफ से फल भी वितरित किए। वस्त्र वितरण के बाद समिति के पदाधिकारियों ने मंच न्यूज को इस बारे में जानकारी दी। जी यार, बताएं कि आज श्री गंगा सेवा समिति द्वारा क्या कुछ किया गया बाल शिशु गृह में। गृह शिशु मंदिर शिशु में आए हुए हैं सरकारी वाले में जी। इनमें हमने जो है 44 बच्चे हैं, सबके लिए गर्म पायजामी और गर्म स्वेटर दिया है और सब बच्चों के लिए खाने के लिए केले वगैरह वितरित किए गए हैं और ये हमारी पूरी समिति के द्वारा किया गया है जी। तो समिति ने विचार किया कि अनाथ बच्चों को समिति हर साल विचार करती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करती रहती है अनाथों के लिए। जी बताएं कि आप क्या कुछ किया आज। ये हमारी संस्था है श्री जी गंगा सेवा समिति मथुरा की, इसमें आज के दिन हमने अनाथ बच्चे जो हैं 44 बच्चे इनको खाना वितरण एवं जिसमें गर्म बनियान गर्म पजामियां ये हमने वितरण की है और इसी तरह से हर महीने समय समय पर कुछ ना कुछ सामाजिक कार्य करते रहेंगे जिसमें श्री गंगा सेवा समिति के द्वारा सब लोगों का विशेष योगदान रहा।